हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में भी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री, कि कौन कौन सी डेफिनेशन है जो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पूछते हैं एग्जामिनर, वन लाइनर टू लाइनर बन जाते हैं क्वेश्चन। एंड किसी भी बोर्ड की मैं बात कर लूँ, चाहे मैं सीबीएसई की बात करता हूँ, चाहे मैं किसी स्टेट बोर्ड की बात करता हूँ, ये डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है एंड श्योरली बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगी एंड बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगी आपकी परसेंटेज को बढ़ाने में। ठीक है, इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं बता दूं कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री, अगर आपको नहीं पता है तो जरूर देख लेना। अच्छा, सभी के सभी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, पूरी केमिस्ट्री में 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है। एंड सभी बच्चों की हेल्प के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो कोर्स, बोर्ड फतेह सीरीज, डेली शाम को 8 बजे वीडियो आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, अगर आप वो नहीं देख रहे तो वो भी जरूर देख लेना। और एमसीक्यू के लिए अनअकैडमी पे कोर्स चलाया हुआ है मैंने, एमसीक्यू की तिजोरी, ठीक है, उसमें भी डेली एक वीडियो आती है। तो जो बच्चे वरिड है इस लास्ट के टाइम में अपनी प्रिपरेशन के लिए, बिल्कुल भी वरिड होने की आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ चल रहा है, बस अब आप लोगों को मेहनत करनी है। ये तो पता होगा, मेहनत तो आप लोगों को ही करनी होगी एंड एक मैं गारंटेड बोल रहा हूँ बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, पॉजिटिव रहो एंड तैयारी में जुट जाओ अगर अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है। तो बेटा जी अभी बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की चैप्टर वाइज। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सॉल्यूशन चैप्टर की। सॉल्यूशन चैप्टर में अच्छा ये डेफिनेशन तो आप पढ़ोगे, साथ में कंसेप्ट को भी अच्छा कर लेना एंड ये भी 140 टॉपिक ये हो जाएंगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे भाई। इंपोर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहले वैन डर वाल्स फैक्टर, ठीक है, उसके बाद मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन बहुत बनती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बहुत ज्यादा बनती है एंड हेनरी लॉ की। सिर्फ ये चार टॉपिक की डेफिनेशन, सिर्फ ये नहीं करनी है, मतलब इनकी डेफिनेशन सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अगले चैप्टर पे चलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कोलर्स लॉ एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, सीधे तीन तीन नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं इन डेफिनेशन से रिलेटेड। तो अगली बात पे बढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपसे जनरली पूछी जाती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन एंड ऑर्डर मोलिकुलरिटी का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, नेक्स्ट टिंडल इफेक्ट, पैक्टाइजेशन, एरोसोल एंड इमल्शन। 100% श्योर इमल्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आपका पायरोमेटलर्जी की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, फ्रोथ फ्लोटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें फ्रोथ फ्लोटेशन होता है, जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एंड एक मेरे कहने से आप लोग कर लेना वो जो वेपर फेस रिफाइनिंग होती है ना, मोंट प्रोसेस, वेनरकल मेथड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनएफ ब्लॉक में एक श्योर टॉपिक जो हम कह सकते हैं वो है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन एंड क्वेश्चन आपका जिंक कैडमियम मर्करी से भी बनता है कि ये कलर क्यों नहीं होते, ये डायमैग्नेटिक क्यों होते, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है डेफिनेशन में अगर बात करें तो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बात करें तो डेंटिसिटी ऑफ अ लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा टॉपिक पढ़ लेना डेंटिसिटी वाला, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड लिंकेज आइसोमेरिज्म। अगली बात करते हैं हैलोरकेन एंड हैलोरिन। हैलोरकेन और हैलोरिन में से एक टॉपिक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है SN1 एंड SN2। अगले चैप्टर पे चलते हैं एल्कोहल फिनोल एंड इथर्स पे, राइमर-टाइमर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडलक्राफ्ट एसिलेशन ऑफ एनिसोल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है एंड एक कोल्ब रिएक्शन भी कर लेना मेरे कहने से। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें तो बहुत सारी नेम रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, क्या होंगी, कैनिजारो रिएक्शन, टोलेंस रिएजेंट, कन्वेंशन रिडक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, HVZ रिएक्शन और एक मेरे कहने से आइडोफॉर्म को भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, भाई आपका चैप्टर है अमाइंस। अमाइंस चैप्टर में चार मेन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एंड इन्हीं से टेस्ट भी बन जाता है, फर्स्ट होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस कपलिंग रिएक्शन, नेक्स्ट कार्बाइलमाइन रिएक्शन, ठीक है। अगले चैप्टर पे चलते हैं बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड लिंकेज भी पूछा जाता है, बीटा शीट स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर होते हैं ना अमीनो एसिड्स के, बीटा शीट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है। अच्छा जो भी मैं बोल रहा हूँ ना ये सब मैंने करवाया हुआ है, आप इन टॉपिक को बाय भारत पंचाल लिख के सर्च कर लेना, बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं। बायो कैटलिस्ट पता है ना, एंजाइम्स भी बोलते हैं उन्हें। अगले चैप्टर पे चलते हैं पॉलीमर्स पे। पॉलीमर्स में क्या आएगा, पॉलीमराइजेशन एंड इट्स टाइप्स, इलास्टोमर्स,
उसके अलावा थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स। अब लास्ट चैप्टर में चलते हैं, लास्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बनते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं उसमें एक दो क्वेश्चन बन जाता है कि एस्पार्टेम को क्यों यूज नहीं करते, एलेटेम को क्यों यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जी ये थी सारी की सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो श्योरली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आपके एग्जाम्स के अंदर। अभी मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के एंड में ये जो मैंने टॉपिक आपको बोलना है ना, इन सबको प्ले कर दूंगा, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लेना, सो दैट ये आपकी हेल्प हो जाए। और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए मैंने सॉलिड स्टेट के बोले नहीं है, बट सॉलिड स्टेट के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस वीडियो में, मतलब उन पेजेस में। तो चलिए अभी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लो और इस वीडियो को हर एक बच्चे तक पहुंचाओ। और आप किन किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कौन कौन सी वीडियो चाहते हो, इस चैनल से मुझे जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।